तो यार जहां एक तरफ देश की भोली भाली जनता दिन भर थकने के बाद YouTube पर शॉर्ट्स देखने के लिए आती है इसलिए कि शायद उनका थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए, सही बात है। मगर उसी एंटरटेनमेंट के बीच रायता फैलाने के लिए आते हैं पाल्स बॉयज, जिनको कोई काम धंधा तो है नहीं, बस जबरदस्ती इमोशनल वीडियो बना के लोगों को इमोशनल करते हो और उसी इमोशन से व्यूज छाप कर समोसे की पार्टी करते हैं। वेल, पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरी वो टेंगे टेंगे वाली वीडियो पे 1K व्यूज कंप्लीट करवा दिए, जिसकी वजह से मैं आपका दिल से आभारी हूँ। अच्छा से काम नहीं चला, चूना भी लगा दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो चलो यार, इस देश की भोली भाली जनता को इमोशनल करने वाले को भी देख लें कि वो कितने गहरे कीचड़ के नाले में है। शिट याद यार, इज सो इमोशनल भाई, दिल में से आंसू आ गया। लेकिन एक मिनट, जब इसने पत्थर फेंका तो उसे लगभग 2 सेकंड में गिर जाना चाहिए था, मगर ये तो फिर भी गिरे जा रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। स्कूलों में टीचर बच्चे को 6ठी क्लास से मार मार के सिखाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मगर इन्होंने तो इस फॉर्मूले का गला ही दबा दिया। मगर फिर भी मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ गई? इनके हिसाब से तो न्यूटन सर की ग्रेविटी गई भैंस चराने। और जब पत्थर आराम से गिर रहा था तब ये बच्चे, जिसे अभी डायपर और हगीस में डिफरेंस पता नहीं होगा, वो कुछ देर खड़ी होकर सोचती है मुझे पिल्ले को बचाना होगा। बहुत अच्छी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बने। और यार इनके जैसे ऐसे लोग जो मीठी जुबान में लोगों को इमोशनल करते हैं, 2-4 और आ जाए ना तो इनकी शॉर्ट्स देख के इंसान तो इंसान, मच्छरों को भी हार्ट अटैक आ जाए। देख लुल्लू, ये होता है गेयर। तमन भैया तू मुदर थम आता है, देखो ये होता है गेयर। पिछवाले में है। ओ भाई गेयर तो गेयर, इनको देख के तो लगता है इनका दिमाग भी इनके पिछवाले में। इधर देखो, ये है क्लच, ये ब्लेक, ये एक्सीलरेटर और ये है अपना स्टेरिंग व्हील। ये सब तूने कहाँ से सीखा? सब कुछ मैंने YouTube से सीखा है। तो अब स्टार्ट कर, जल्दी क्लच दबा। दबा दिया, गेयर लगा, लगा दिया, धीरे से छोड़। मारो मुझे मारो। अगर यार तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 2.5 साल का टिप्पन्ना जो सुसु भी अभी अपनी पैंट में करता वो YouTube से कार चलाना सीख जाता है। और मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि YouTube ने इसे कार चलाना तो सिखा दिया मगर पैंट में सुसु करना नहीं सिखाया। और अगर इसको ये सब हरकतें करते देख किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो मारते मारते इसका मोर बना देगा। देयर इज सो इमोशनल यार, मेरी तो आंखों में आंसू होगा, इसलिए एक बार इस क्लिप को दोबारा देखा जाए। ओ भाई यार कितना दर्द है इस क्लिप में, इसको देख देख के तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब इसके पीछे लठ तोड़े जा रहे थे तो भाई इसका रोना देख के तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। भाई इतना दर्द मैंने आज तक कभी नहीं देखा यार। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अले पापा की काल, मस्त तीद है बे। हाँ आई दिया, अब आया ना मजा एटी में, सीट बेल्ट लगा के देखता हूँ, अब आला है फील। ए, ये क्या था, हिलाकर देखता हूँ। भाई पहले मुझे लगता है कि इस परेशान बच्चे की आत्मा को जाए कोई 2 झापड़ मारे ताकि इसे दिन में तामड़ याद आ जाए। मतलब अभी तुम खुद ही देख लो, ये बंदा इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अंग्रेजी टॉयलेट सीट पर बैठ जाए मगर फिर भी इसे गाड़ी के फील लेना है। मेरे हिसाब से तो इसे बंदर के झापड़ का फील लेना चाहिए, कम से कम इसके अंदर अकल तो आ जाएगी। बच्चों आ जाओ समोसे खा लो। हाँ बच्चों ये लो समोसे, समोसे समोसे खाने का इन बच्चों का लाइन में लगा, चल जाया से। मुझे समोसे नहीं दिया तुम, ये रुको मैं भी आता हूँ। अरे मेरे कुरकुरे भैया, खाओगे? Oh, no. खाओगे 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 मेरे कुरकुरे। अब यार ये तो इमोशनल वीडियो बना के लोगों को इमोशनल करते रहेंगे भाई, लेकिन मैं इनके बीच में इमोशन नहीं होना चाहता क्योंकि इनका काम है लोगों को इमोशन करना और ये जनता को इमोशन करके भैया उन्हें रुला के खामा उनसे व्यूज लूटेंगे उसी पैसों से अपनी क्या पार्टी करेंगे, मगर मैं इन जमेले में नहीं पड़ रहता इसलिए चलता हूँ भाई, बाय। बच्चों देखो कितने सारे बलून।